पुण्य आत्मा की, राम जी महाराज की जय हो। मालार टोपी सुमरना और मेरे सतगुरु दी बगसी पल पल गुरु को वंदना मैं चरण निवाहूं सी गुरु को कीजे वंदना और कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को तो गुरु कर दे आप समा सतगुरु बिन सोजी नहीं सतगुरु बिन सोजी नहीं और सोजी सब गतमा रजब मकीरा खेतरी भाई चिड़िया ने गमना सतगुरु समराता नहीं और मैं तो ये निभाऊं शीश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो प्रत्यक्ष जगदीश प्रत्यक्ष जगदीश और जीवा इत जग में आया दे ब्रह्म को ज्ञान भूला को राय बताया राह बताया रे गुरु सच्चिदानंद कहे विवेक कबीराय शुद्ध स्वरूप लखाय काट दे चौरासी के फंद महापुरुष लोग फरमावे के अपन हिंदू संस्कृति रे बाबा अगर दे जगनी कोई नहीं पद प्रतिष्ठा मिली तो यूं समझ लो कि महाराज जी रे पीछे कोई गुरु रो हाथ है क्योंकि महाराज जी के सतगुरु बिन सोजी नहीं और के सोजी सब घटमाय अरे रजब मकीरा खेतरी और के सिरियो ने गमना मकीरो खेत में नहीं जगे रमा सिटो है जो को महाराज यहाँ पान कर मां देर दी लपेटू रोवे तो बिन पतो कोनी में जैसे ही वो परमात्मा ब्रह्म है वो सब में महाराज घट घट में व्यापक है पण बीरी महाराज अपने पहचान कोई बिन गुरु करवा कौन सके तो संत महापुरुष आवे नी जन आपारे महाराज प्रथम पीढ़ी आई जाए सत्संगरी क्योंकि दरबार मान सिंह जी महाराज लिखे है के लोग कहे सत्संग करा सत्संग का ढंग कछु और है भाई दुनिया के महाराज सत्संग करो बाकी सत्संग तो ढंग कछु वेर जी और है दूजा है महाराज क्योंकि आपा लोकन तो प्रथम पेड़ी रही पतो कौन के सत्संग कह किरण है महापुरुष लोग फरमावे है कि महाराज सत्संग जगेरी नाम है के जठे सत्य रो संग है सत्य कोई है संसार में के सत्य परमात्मा है परमात्मा रो अगर जे कोई संग करे तो महाराज वीरो संग किया मिले के वीरो संग कोई गुरु भी नहीं जो मिला कौन सके तो इस वास्ते महापुरुष लोग है जो बार बार संतों की बड़ाई करे हैं तो कबीर साहब लिखे एक वाणी में अरे साहब
थारे अमरे लोक रो अंसलो ई मरतू लोक माई आयो ए अमरे लोक रो अंसलो आ मरतू लोक माई आयो ए कहरे कबीर सा धर्मी दास ने ए सो बिनंद सला बोले सच्चिदानंद घन भगवान की सतगुरुदेव की जय हो। महाराज कबीर साहब फरमावे के ओम शब्द निज मूल है, सभी जगो शब्दारो मूल शब्द है, जगो महाराज के ओम शब्द है और सतगुरु आठ लगाई। आठ के बेरजी बाजार ने दुकान ने आठ महाराज जगह संत पदारे नी जन आ सत्संग रूपी गोपाल जी आठ जगी लागिया करे है। जन इरमा जको माल मिले जको महाराज कौन खरीदे, के कोई जिज्ञासु हुए, कोई ज्ञानी हुए, कोई गुरुमुखी हुए, वो खरीदे महाराज। क्योंकि स्वामी अतलराम जी महाराज लिखे है कि जहां ईरों का है व्यापारा और वहां बेचो मतना चारा, अर संतों को लागे खारा क्यों फजूल वक्त गमा के, अरे तुम के गपेन मार मत भाई की सत्संग के बीच आके, अरे के जा सुन ले हरी कथा गोरी संतों के पास जाके। क्योंकि अगर ई चीज रो वो गिरई थी अपन नहीं बन बैठा तो जीते महाराज अपन बिरु प्राप्त बिरु साधन को नहीं हो सके। जो अपन लक्ष्य लेर बैठा बिरु अपन है जो महाराज लक्ष्य नहीं मिले। क्योंकि महाराज दृष्टांत में लिखे है कि कोई बैर जी बीण बजाओ नालो यागरे नहीं, जन वो बीण आलो कोई है जो गांव रे मा आ गयो, जन कोई घर में जार बढ़ियो, जन वो घरो दणी कोई है कि यहां बाखल में बैठो और कोई आपरो कोई बिंबो करतो को नीचो नी धून गालुड़ी। अरे अरे अर बी जो ही वे बीण रहे जब यहां पैरवा लगाया वाह, जन भी माथो धुणियो हास। क्योंकि महाराज जी अबार तो है जो महाराज जी बादेरा पैर में जो कि घेरा लगा हुआ था अगला माथो धोना नहीं। और मन में यूं आबो कर गांव वाला मारे के महाराज कुछ जानकार है। हां समझ में आवे जन बो कोई करे कि पचकी थोड़ो आप की जगी कलाकारी है जगी ज्यादा दिखाने ज्यादा फसल है। जन भी जूं जूं ही देना पैर में लगावना हरू करया बो यूं गड़के सड़ जे अल्लाह जीती बा घरवाली गण धणियो नहीं आई। हां हां भी विचार कर दोनों ने देखा हां जन विचार करियो मन में भाई इने तो ठा कोनी। अरे ओ जको गड़के से जुड़े यो के भाई की दाना अपन दोल बेसी गाली हां जन भी लार ले पासी ऊ भी रे भी रे अर देख कर बिन कियो बोले भाई सुन बात बोले काई हां कह दो जन बा के क्योंकि प्राणिया अपना जगह वेर जी जगह गूड़ रही सिर में बात किया करता। हां जन बा बिन कह के तुम गायक हो हां यार ये है गाय सुख वाह तू तो गायक है हां ओ जको माथो धुणे हम बैठो जको ओ गाय सुख है गाय रु सुख कह के हमारा बलद 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 है। हां तुम गायक हो और ये गाय सुख और तुम हो के विद्या में प्रवीण हां तू तो विद्या में प्रवीण है। अरे अरे यार यह ग्राहक है कड़बीन का तो तुम क्यों बजावत बीण बीण क्या डांगर बीण बजावे ढोका खावन वालों क्यों डांगरो हां हां अर तू आई रागे बीण बजावे क्यों है मारा तू गिर के क्या सकियो है तो बीस से अगर हां बीस से अगर गिराई करे आगे हां आप जे दो बात कहनी चाहो वाह तो महाराज मतलब ही बात पल्ले को पड़े आठे महाराज की सत्संग में आर बैठो की आठ में आर बैठो जन महाराज आपन है गुरुमुखी आदमी चाहिए। जय हो जन महाराज कहे ओम शब्द निज मूल है और के सतगुरु आठ लगाई। अरे 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 चतुर चतुर सौदा करे के मूर्ख मूल ही गमाई गमाई अरे आटा आल मारा भाई हरि के आठ लगी है हरि रे नाम रे।
जन ई आत्मा आर आपा देखा नहीं जन मेर जी कुछ आपा ने ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए और कुछ आपा ने बोलने रा उठने रा बैठने रा चालने रा मर्यादित होना पड़े आदमी ने महाराज। अरे अरे क्योंकि खपायो डील नहीं हो डीलो कर बेसे नी जन महाराज ज्ञानरी प्राप्ति वे कोनी नींदरी प्राप्ति होए। हां नींदरी प्राप्ति वे और कवि साहब अपन ए युक्तियां लिखी है आई के तन डांडी जय हो ई आत्मार बैठे नी जनियो तार जर दे हारो लेर बैठे जन नींद आवे महाराज। हां इसमें मग हां डी डी अडी जकीर में बलने पड़े महाराज तंदरी मैं एकदम सीधो होवे वाह तन डांडी और पछ मन वे पालन हे हे मन है जो पालन के दो एकाग्र है वे हास हर पच मारा सुरता है जगी दिगे ने बा भजन में लागू बा भजन में लागू दिगे क्या बात तन डांडी मन पालनो और के सुरता तोलन ने बैठी। अरे अरे पच मारा के ज्ञान पंछेरा राल दो पूरा तोल मारा भाई भाई आठ लगी है हरि रे नाम री सा तो फिर महाराज की है कि जीव और ब्रह्म एक है हां सा आत्मा सो परमात्मा संसार और शरीर एक है एक है आत्मा सो परमात्मा बिल्कुल सही जय हो। क्योंकि ओ जको अपने सब में बोलता पुरुष जीव है और वो ब्रह्म है वाह वो एक है आपने दो इयो लागे के महाराज अपनो भाव है जको दो ही तरह है हां इस वास्ते आपने दो लागे हां जन महाराज आई बात रामायण में लिखी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख रस। ये ईश्वर का अंश है ये कभी मर मिटने वाला है नहीं। आई बात महाराज गीता जी मां भगवान कृष्ण आप पे मुखारविंद अर्जुन ने सुनाई। अरे अरे टेम में पहलो ही दिन युद्ध आरंभ हुयो बी टेम में अर्जुन देख और भगवान कृष्ण ने क्यों बोले प्रभु और जो को मारो रथ है जो को दोनों सेनाओं और बीच में ले जाकर खड़ो करो। वाह अर्जुन रथ भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं और बीच में ले जाकर खड़ो करियो। अरे अब अर्जुन देखने लागियो आप पर जगह दादा मामा काका फूफा भाई भतीजा रिश्तेदार सारो मतलब के कुटुंब देखियो। वाह जन अर्जुन वो गांडी जो को धनुष अर्जुन रो बिन नीचो रख आप है जो को महाराज भी रथ रे पिछले सिरे में जा और बैठ गयो बोले प्रभु अगर आने मार इतो ने एर मन अगर जे ओ जमीन जायदाद अगर मैं ले अरे ना उठियो महाराज हूँ पांच अगर भिक्षा मांग कर खा ले मना कोई दूर की कौन इतने मारे कुटम ने थोड़ी मार सकू। भगवान कृष्ण ने जो क्यों बोले अर्जुन ओ जीव कभी मरे है ही कौन तुम तो कर्म करनो। वाह दूसरे अध्याय रे आठवें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहे बोले अर्जुन नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दहति पावक नैचैनम कलिदन तापो ने सुसति मारुते। हे अर्जुन इन कोई जीव है जकन मारा शस्त्र है जो छेदन कर कौन सके। नैनम छिदन्ति सत्राणि यानी कि इन शस्त्र है जो काट नहीं सकता और नैनम दहति पावक पावक के अग्नि ने अग्नि है जो को जला कौन सके। जय हो ने चैनम कलेदन तापो इन है जो को मारा जड़ है जो को गला कौन सके और ने सोचति मारू के मारू के हवा ने इन हवा कभी है जो को मारा सुखा को सके ये तो जू का तू है। जय हो जय हो तो मरे कहीं है मारा जो मरे वो है जो शरीर इस शरीर तो धर्म है मरने जन महाराज के के अमर लोक रो है अंसलो ओ की मृत्यु लोक में ही आयो आयो आयो। अरे कहे कबीर साहब धर्मी दास ने और एसो एक विणज चलायो चलायो कबीर साहब लिखे है कि महाराज एसो एक विणज चला दियो तो आटा आलमारा भाई। अरे के आट लगी है हरि रे नाम रे सब बोली सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो राम जी महाराज की जय हो जय हो।